के शहर गढ़वा में साहिस फर्नीचर का शानदार कलेक्शन, ब्रांडेड फर्नीचर नीलकमल, बेरीताज, सुप्रीम, डूरियन, टाटा स्टील, संगम गोदरेज, फैंसी सोफा, दीवान, वार्डरोब, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सागवान दीवान, ऑफिस टेबल, चेयर, काउच, सोफा, कम बेड, हाइड्रोलिक बेड एवं होम डेकोरेशन से जुड़ा हुआ सारा सामान साहिस फर्नीचर में उपलब्ध है। तो देर ना करें, हमारा पता नोट करें, कचहरी रोड गढ़वा, एचके पेट्रोल पंप के आगे साहिस फर्नीचर, प्रोप्राइटर मोहम्मद शमशाद खान। संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 6206455368। दूसरा नंबर है 8210904136। आपका आगमन हमारा सौभाग्य। छठ पर सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद पूरी तरह से राज्य में रार मचा हुआ है। विपक्ष जो है पानी में खड़ा होकर हठयोग करने में लगा हुआ है। हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो महानुभाव, जो माननीय गण पानी में खड़ा होकर और राजनीति कर रहे हैं, ये बताने का काम पहले करें कि उनके घर का छठ कहाँ हो रहा है। उनके घर में भी छठ होता होगा। छठ एक बहुत ऐसी आस्था का पर्व है कि जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सभी, चाहे वो राजनेता हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, कर्मचारी हों, आम आदमी हों, मजदूर हों, सभी लोग बहुत आस्था से और बहुत ही धार्मिक भावना से इस त्यौहार को मनाते हैं। जो लोग पानी में खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भी अपने घरों में छठ कर रहे होंगे। छठ के दिन वो नज़र नहीं आएंगे, उनका परिवार तालाब में और नदियों में छठ करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन पर भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वहाँ उनकी सरकार है। हमारी सरकार का सबसे पहला दायित्व है कि झारखंड की जनता के जान माल की सुरक्षा करना, और झारखंड की जनता आगे बढ़ चढ़ कर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा इस संक्रमण से बचाव के लिए, ये इन सारे कदमों को पर राज्य की जनता बढ़ चढ़ कर राज्य सरकार का सहयोग दे रही है। चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी लोग, लोगों ने दशहरा में भी दिशा निर्देश का अनुपालन किया, ईद में भी लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़े, बकरीद में भी नमाज नहीं पढ़े, ना रामनवमी का जुलूस निकाला, ना मुहर्रम का जुलूस निकाला। और आज हम कोरोना के संक्रमण से मुक्त नहीं हुए हैं। केंद्र की सरकार ने आज तक स्विमिंग पूल खोलने का आदेश नहीं दिया है, और आज ये लोग आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन्हें ऐसी राजनीति से, ओछी राजनीति से बाज आनी चाहिए। बात कोरोना की हो रही है, कोरोना से रुकने के लिए आप कह रहे हैं सारा जो निर्देश हो इजाद हुआ है, जिसमें धार्मिक भावना बीच में लाना उनके द्वारा कि हिंदू मुसलमान, वही मैं कहता हूँ कि हर एक चीज में ये हर मुद्दे पर देश को, देशवासियों को ये बांटने की राजनीति करते हैं, और हम ऐसी राजनीति से इन्हें बाज आने का हम आग्रह करेंगे। छठ एक बहुत ही आस्था का त्यौहार है, बहुत ही धार्मिक भावना से इसको मनाया जाता है, और हमने आग्रह किया है झारखंड की जनता से कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा एक विस्फोट हो जाएगा अगर एक भी संक्रमित, दो भी संक्रमित व्यक्ति अगर नदी तालाब में जाते हैं और वहाँ और लोग भी छठ तालाब में छठ करते हैं, तो ये इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा जो संभाले नहीं संभलेगा। आपके यहाँ भी छठ हो रहा है, आप छठ के निमित्त यहाँ पहुँचे हैं, अभी कार्यक्रम में शिरकत की, निश्चित रूप से घर में छठ करके या संदेश देना निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमने कोरोना को रोकने के लिए। हाँ, मैं भी प्रत्येक वर्ष छठ में यहाँ गढ़वा में विभिन्न घाटों पर जाकर और अर्घ देने का काम करता था, और अब इस बार छठ मैया की कृपा से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों की शुभकामनाओं से मुझे अवसर मिला है यहाँ अपने परिवार के साथ छठ करने का, जो मैं बरसों से यहाँ के लोगों से मांगता था कि आप भी छठ मैया से प्रार्थना करें कि हमारा भी छठ गढ़वा में हो। लेकिन इस कोरोना के समय भी नदी में करने में बहुत, हमेशा नदी में, तालाबों में छठ होता है, और उसमें एक अलग उत्साह, अलग आनंद आता है, एक अलग धार्मिक भावना का एक अंदर से एक ये होता है। लेकिन मैं इस बार अपने घर पर छठ कर रहा हूँ, और सभी लोगों से आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए एक सामाजिक दूरी बनाते हुए और
प्रसाद ग्रहण करें हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मंत्री जी का साफ तौर पर कहना था कि हमने मात्र कोरोना को लेकर ही निर्देश जारी किया है सरकार ने, और सबको इसमें सहयोग की जरूरत है, सबको सहयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ विपक्ष यानी भाजपा से भी कहा कि आप राजनीति न करें, इसमें सहभागी बने, ताकि कोई भी इस पर्व त्यौहार के बीच में कोरोना के जद में न आवे। आशुतोष रंजन, दास न्यूज़, गढ़वा।